बसमिल मैं हूं सैबिक आजमी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब नाजिन लॉन्ग मार्च 25 मई को नहीं होना था इसकी तारीख 29 मई को ही थी क्योंकि असम्बलियों के टूटने और फिर इलेक्शन की तारीख भी इसी दिन थी ये मेरी बड़ी पक्की खबर थी लेकिन इससे पहले एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें बाजवा साहब ने इतवार को इकरार किया वहाँ पर कुछ वर्दी वाले भी थे कुछ बग़ैर वर्दी वाले भी थे उनके सामने ये बात मानी गई कि हाँ हमसे मिस कैलकुलेशन हो गई है हम सूरत हाल को सही रीड नहीं कर सके हालात इस तरफ ना जाए कोशिश होगी लेकिन फिर सोमवार को बाजवा साहब को एक फ़ोन कॉल आई एक बड़े मुल्क एक बड़े रहनुमा से बात हुई और उसके बाद सूरत हाल सारी बदल गई तरीके इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है उसे ताकत से रोकने की कोशिश ताकत से बल्कि कुचलने की कोशिश जिसमें अमेरिका के भी आपको पता है एक अहम उहदेदार का सऊदी अरब का दौरा हुआ और उसमें पाकिस्तान को किसी किस्म का इमदादी पैकेज फॉरेन रिज़र्व में तेल की अदायगी में किसी किस्म की कोई मदद नहीं करना उसकी वजह अमेरिका सख्त नाराज़ हो चुका है इमरान खान ने हुकूमत से निकलने के बाद अमेरिका की वो बदनामी और नकाती की है वो वाकई निकलने के बाद ख़तरनाक हो गई अमरीका के लिए माजी में अमरीका की ये साजिशें किसी हकूमत के ख़िलाफ़ अगर विकीपीडिया पर अमिकी लीगस की सूरत में हम लोगों को बीस साल बाद समझ आती थी लेकिन इस दफा इमरान खान ने पूरी साजिश अपनी आवाम के साथ साथ पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दी कि ये किस तरह इंटरनेशनल रजीम्स को चेंज करते हैं इंटरनेशनल चैनल्स को इंटरव्यूज़ और अब दुनिया भर की नज़रें इमरान खान के बयानी की तरफ आ चुके हैं और अमरीका की जो इतनी ज़्यादा बदनामी हो रही है जगह जगह हर मुल्क में अब वो खुलकर शहबाज हुकूमत और बाजवा रजीम का साथ देने पर तैयार हो गए इमरान खान ने ख़ुद इस खदशे का इजहार किया था कि एक रूहानी शख्सियत ने उन्हें बताया था कि वो पहले वज़ी अजम बनेंगे उसके बाद उनकी हुकूमत जाएगी और उसके बाद फिर उनकी जान ले ली जाएगी ये इमरान खान साहब ने ख़ुद कहा था उन्हें कहा सबसे ज़्यादा अगर ख़तरा किसी को जान का हो तो मेरे लिए है लेकिन मैं किसी खौफ का शिकार नहीं हूँ लॉन्ग मार्च में ताकत का ये इस्तेमाल इसका पहला मरल आपने देखा चादर और चारदीवारी का तकदस पामाल किया गया हवा की बेटियान के घरों में अलामा इकबाल जैसे मुशवर पाकिस्तान के घर को भी नहीं बख्शा गया मैं अक्सर सोचता था कैजाजा मोहम्मद अली जिनाह की जो बहन फातिमा जिनाह थी उन पर गद्दारी का मुकदमा कैसे लग सकता है फातिमा जिनाह पर लेकिन अलामा इकबाल के घर में अगर ये हो सकता है आज 2022 में तो फिर फातिमा जिनाह के साथ भी मामला हो सकते हैं क्योंकि हर दौर में तागुती क़वतें मौजूद हैं नाम बदल कर कभी राना सना तो कभी जनरल डायर हालात बेकाबू है इमरान खान की जान ज़ायरे लेने की कोशिश की जाएगी इसमें पूरी पूरी आपको मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ क्योंकि ये इस लेवल पर मामला आ चुके हैं मकबूलियत इमरान खान की इतनी बढ़ चुकी है कि बाजवा साहब अगर आज रिटायर हो तो यकीन करें कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में अपने बमा एलोयाल वहाँ पर पहुंचे हुए होंगे क्योंकि सारे एक्स सर्विस मैन इस वक्त इमरान खान के साथ है जनरल अली कुली ख़ान की क्यादत में आप देख सकते हैं उनकी ट्वीट्स फौज का उन पर डिसिप्लिन नहीं लगता बाजवा साहब के घर वाले इमरान खान के चाहने वाले ये भी मैं आपको बता दूँ उनके घर के अंदर लोग ऐसे हैं जो इमरान खान को पसंद करते हैं और वो देख रहे हैं कि गलत हो रहा है जो हो रहा है क्योंकि 1500 सौ ज़्यादा तरीके इंसाफ के लीडरान को गिरफ्तार किया गया दफ़ा एक लगा दी गई कराची लाहौर औरलपिंडी इस्लामाबाद हर तरफ कंटेनर्स रोड बना दिए गए हर जगह दाखला बंद कर दिया गया इस्लामाबाद के रास्तों की तरफ मोटरवे, जीटी रोड तमाम रुकावटों से भरे हुए <coughs> अटक पुल को <coughs> माफ़ किया अटक पुल को बंद कर दिया गया है और वहाँ एम वन को सवाबी इंटरचेंज के पास से मुकम्मल ब्लॉक कर दिया गया तकरीबन चार हज़ार पुलिस वाले मुल्तान फैसलाबाद यहाँ से बुलवाएँ और ख़ास तौर पर रेंजर्स के दस्ते भी इस वक्त हुकूमती हुक्म के मुंतजर हैं मुतालबा बड़ा साफ और सीधा है इलेक्शन की तारीख दें और यह हुकूमत देखें को डेढ़ साल की हुकूमत है इसमें से भी अगर आखिरी तीन माह आप निगरान सेटअप के लगा लें तो ये हुकूमत एक साल की भी नहीं बनती अब नवंबर तक इंतबात हो नहीं सकते जून जुलाई अगस्त सितम्बर अक्तूबर नवंबर छः महीने ये गुजर गए पीछे छः महीने की हुकूमत है कमर बाजवा जब तक रिटायर नहीं होते उस वक्त तक इंतखबा नहीं होंगे दिसंबर में चांस वैसे कम है तो अगर पुरानी बंदियों पर ये इलेक्शन किए जाए तो आपकी डेट दिसंबर जनवरी बन जाती है सुप्रीम कोर्ट को बता मुदाखलत करके लॉन्ग मार्च और हुकूमत के दरमियान ये तमाम मामला ठीक करने चाहिए एक पुल का किरदार अदा करना चाहिए इमरान खान ने कहा है अब इमरान ख़ान ने ख़ुद ये बताया कि तारीख क्यों बदली उन्होंने इनके ऊपर दबाव डाला गया कि लॉन्ग मार्च की तारीख को आप आगे करें या मुकम्मल तौर पर ख़त्म करें तो उन्होंने फिल फोर फिर पच्चीस मई को इसका ऐलान कर दिया कि ये लॉन्ग मार्च लाजमी होगा जो अवाम का रद्द इमरान ख़ान को जल्सों के दौरान और उससे पहले नज़र आया उस चीज़ ने साबित कर दिया कि अवाम जो है वो हकीकी आज़ादी चाहते हैं अब हकीीकी आज़ादी का मतलब आप दे आपके सामने है आप अपनी मर्जी से फ़ैसले करें आपकी अपनी आवाम के लिए जो आपको बेहतर लगे जैसे रूस से तेल ख़रीदना हो या यमन की जंग में हिस्सा ना लेना हो ये तमाम मामला आपकी मर्ज़ी के हैं ना सिर्फ अमरीक की मर्ज़ी के या अरब ममालिक मर्जी के यूरोपीय यूनियन की मर्ज़ी के या इस मुल्क के ज़ेर तसलत नज़र आने वाली कुतों के इस्टेबलिशमेंट के नीचे आपको पता है इस्टबलिशमेंट उनके नौकर बने हैं और ये आगे से इनको नौकर बनाते हैं तो हकीकी आज़ादी का तो नाम ही ख़त्म हो गया इसकी एक बड़ी मिसाल देख लें कमर बाजवा साहब को जो कल फ़ोन आया सोमवार को उसमें क्या मामला इंसाफ के सारे मामला मुखालफ कर दिए गए ये लोग तैयार थे सरनिया तहलील करने पर इलेक्शन की तारीख देने पर नया इलेक्शन करवाने पर लेकिन हुआ क्या ये खबर आप देखें कि मोहम्मद बिन सलमान जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं डिफेंस मिनिस्टर भी हैं ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर बाजवा को एक तवील टेलीफोनिक गुफग करते हैं लॉन्ग मार्च की तारीख अनाउंस होने के फ़ौर बाद उनसे फोकस क्या था मिलिट्री ताउन का उसके फ़ौर बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तानी बैंक में पड़े तीन अरब डॉलर डिपॉजिट में तोसी कर दी इस वक्त सूरत हाल ये है कि आई एम एफ के साथ कर्ज़ के जो माहे हैं उनकी बहाली अभी तक नहीं हुई हमारे जो उनके सदमा चाल थे वो अभी तक मान नहीं रहे मईत हमारी बुरी तरह गिर रही है अफरात ज़र है ज़र मुबादला केखायर में कमी बुरी तरह हो रही है रुपये की कदर बुरी तरह गिर रही है मुसलसल गिरता जा रहा है और अब ये तीन अरब डॉलर एक ऑक्सीजन की तरह काम करेंगे आप ब्लूमबर्ग की जो एक बड़ा इदारा है फाइनस पर उसकी रिपोर्ट देखें कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों से लेकर खाने पीने की अशिया की कीमतों तक और इसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट में देखें तो इन्वेस्टर इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में है किसी सूरत में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है पाकिस्तान एक या दो महीने में अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट की पोजीशन में आ चुका है और ये इमरान खान की हुकूमत में आपको पता है हर सूरत में कर्ज अदा करते रहे जितनी मर्जी मुश्किल आई लेकिन मौजूदा हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है अर्जेंटीना जिम्बावे की तरह ये इस लेवल पर आ चुके हैं कि जहाँ पर ये अपने कर्ज़े अदा नहीं कर सकते किस्तें अदा नहीं कर सकते जो उन्होंने उठाए हुए हैं तो ये डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे <coughs> ये लॉन्ग मार्च रोकने और इस नौबत तक लाने में इस हुकूमत की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और देखें एक नबीना को भी ये नज़र आता है कि ऐसी हालत में लॉन्ग मार्च मुल्क की मीशत को तबाह बर्बाद कर देना है होना तो ये चाहिए था कि लॉन्ग मार्च होने से पहले से रोकने की कोशिश की जाए मुतालबात माने जाएँ जो कि बिल्कुल जायज़ हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये खुद कहते थे इलेक्शन करवाएं और इस्टबलिशमेंट जो कि मौजूदा हुकूमत इस पर तैयार हो चुके थे लेकिन अब फिर एक बार वो हकीकी हकीकी आज़ादी का इमरान का मुतालबा भी बिल्कुल दुरुस्त है कि देखें एक मिलट्री ऑपरेशन की बात हुई पाकिस्तान के पास इस वक्त बेचने के लिए स्वयं अपनी फ़ौज और अपने हथियारों के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कहीं बेच सकें या गिरवी रखें क्योंकि एयरपोर्ट मोटर वे ये सारा कुछ तो गिरवी पहले से रखा हुआ है तो अगर यमन की जंग में मदद करते हैं जो सबसे बड़ी सऊदी पेशकश है तो उसके बदले में तीन अरब कुछ अरसा ये रुक जाएंगे थोड़े से ज़्यादा पैसे और मिल जाएंगे ताकि डिफ़ॉल्ट रुक जाए और मौजूदा हुकूमत को इतना टाइम मिल जाए कि अपना साल डेढ़ साल निकाल लें लेकिन इनकी बेवकूफ़ी देखें कि ये इस बात पर राज़ी हो गई इम्पोर्टेड अशिया पर टैक्स लगाने लगे तो ऐसा लगाया कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी चॉकलेटें लेकर बच्चों के लिए आते हैं उस पर भी टैक्स उसे भी रोक लिया गया हालांकि मिल ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त तकरीबन कुछ सतासठ अरब डॉलर बेच चुके हैं जिसकी इन लोगों को परवाह ही नहीं अरब अमारात में पाकिस्तानी बैसी के जरिए ये कहते हैं जी कि इमरान ख़ान के प्रोटेस्ट में ऐतजाज में जो लॉन्ग मार्च के लिए लोग जाएंगे उन्हें अरब अमारात वाले तंग करेंगे बाद में मतलब ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये तंग हैं दूसरी तरफ दूसरी तरफ, तरफ मरियम नवाज़ साहिबा लगातार झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ इमरान खान का, का सी एन एन का इंटरव्यू देखें आप जिसमें इमरान ख़ान ने अमरीकी चैनल पर बैठ कर अमरीका पर तनकीद की वो कहती हैं कि अमेरिका की साजिश का इमरान खान ने जिक्र नहीं किया या तो उन्होंने वो इंटरव्यू देखा नहीं कि शायद अंग्रेज़ी में था तो मुश्किल होती है समझने में कि क्या लफ्ज हैं क्या कोई ट्रांसलेशन करके दिखा दिया भाई उन्हें तो उन्हें समझ आता फिर साथ कहती हैं कि इनके अपने बच्चे पाकिस्तान लाएँ क्योंकि दूसरों के बच्चों को मरवाते हैं तो इसका तो आसान सा बड़ा आसान सा आप दूसरों के बच्चे ना मारें वूसरों के बच्चे नहीं हैं वो पाकिस्तान के बच्चे हैं वो आपके बच्चे हैं आप इस पुरमन मार्च में करने थे जिस तरह आपने किया अभी बिलावल का काम पर टांग वाला मार्च लॉन्ग मार्च था आप आते रहे लॉन्ग मार्च तेरा दफा मौलाना साहब आए आप ढाई साल से खुद जमानत पे आपके भाई ओवरसीज पाकिस्तानी हैं अगर बरतानवी शहरी हैं तो वो सऊदी अरब काबीना के इजलास में किसी हैसीत से बैठते थे ये सारे मामला आप भी देखें आप उन्हें दूसरों के बच्चे समझ के ना मारें पुलिस पंजाब की उसे जनरल डायर ना बनाएं वो बाकायदा तौर पर इमरान खान के बच्चे तो पाकिस्तान आते ही नहीं ना वालद के लिए आते हैं ना वो किसी सूरत में हल्ला बर्दारी की तकरीब वज़ी अजम चीज़ से लेकर वजारत उजमा तक वो कभी पाकिस्तान नहीं आए तो उनके लिए तो बरतानिया की पैदाइश है जहाँ उनकी वालदा का इख्तियार तो ये इमरान खान का जो झाती तल्लु उनका ज़रूर है पाकिस्तान से उनका फ़िलहाल कोई तल्लक नहीं है लेकिन आपका है आप कोशिश करें कि ना मारें दूसरों के बच्चे और ये जो पुलिस वाला भी अभी शहीद हुआ है देखें किसी घर में कानून है पाकिस्तान में बगैर वारंट के आप घुस नहीं सकते तो ये ज्यादी ना करें लोगों के साथ लॉन्ग मार्च होने दे पूरा मन अब वजीम के सबसे आसान हाल आर्मी चीफ चुनने का इख्तियारजीरम से आप ख़त्म करें मोस्ट सीनियर जरनेल जो है वो ख़ुद ब खुद आर्मी चीफ बने ताकि जरनेल अपने लिए लॉबिंग बनाते हैं सियासतदानों में वो ख़त्म हो एक्सटेंशन का कानून बिल्कुल उड़ा के रख देना चाहिए कोई एक्सटेंशन का कानून नहीं होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जो बेंच तश्ील देते हैं वो भी एक मेरिट पर एक सिस्टम पर हो कम्प्यूटराइज रैंडम सेलेक्शन हो वो ख़ुद अपनी मर्जी से उठा के जिस जज को उस जज को लगा के फैसले ना दें ख़ुद ब खुद जजज़ के नाम निकलें और निकलें ये दोनों इदारे अगर देखें ठीक हों एक फ़ौज का इदारे में ऊपर आर्मी चीफ की सिलेक्शन डी जी आई एस आई और ऊँची जो सिलेक्शन है वो और इधर अदालतों में तो यकीन करें हमारे तमाम मामलों दुरुस्त हो जाएंगे अल्लाह इस लॉन्ग मार्च के जो भी मामलात हैं इन्हें अपनी खैर वफियत में रखें सबको अपना ख़ास ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़